तो परेशान क्यों खड़ी है यहाँ पर? बैठो, मीटॉक का नंबर मिल गया और बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, अभी यहाँ पे मैंने एक शख्स को देखा था जो बिल्कुल खुर्रम के जैसा लग रहा था, लेकिन कोई दूसरी लड़की और थी उसके साथ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने भी सिर्फ झलक ही देखी उसकी, लेकिन खुर्रम भला यहाँ क्यों? अरे बेटा क्या हुआ है, देखे में क्या हुआ है, जल्दी से बताओ। अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है खुर्रम ने दूसरी शादी कर ली है। क्या, ये तुम कैसे कह रही हो? अम्मी मैंने खुर्रम को एक लड़की के साथ गायनेकोलॉजिस्ट से क्लिनिक से बाहर आते देखा है, इसका और क्या मतलब हो सकता है? लड़की के नसीब में और क्या लिखा है? अम्मी मैंने फोन किया था उसे, उसको कोई परवाह ही नहीं है, मूवी देख रही थी। क्या? लड़की भी पागल है, अपने शोहर और घर की परवाह करने के बजाय वो मौज मस्तियों में लगी हुई है। अरे उसको कोई समझाए कि घर शोहर से बनता है, अगर वो ठीक हो जाए तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अम्मी मेरा दिल बहुत बेचैन है, अगर सनम को ये बात पता चलेगी उसे कितना दुख होगा। बेटा वो इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी, ये भी कर लेगी। अम्मी इसका ये मतलब थोड़ी है कि खुर्रम शादियों पर शादियां किए जाए। ठीक कह रही हूँ, चलो किसी से कुछ नहीं। क्या बात है, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने मुझे कभी हॉस्टल में नहीं रहने दिया, मेरी वजह से तो उन्होंने मेरी बहन को ये फ्लैट लेके दिया था। तो इस बात का मतलब? तुम इतने नाइव तो नहीं हो ना कि मुझे तुम्हें हर बात समझानी पड़े। कलम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट? कोर्ट मैरिज करना है। यही चाहती हो ना तू? हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारा नाम मिले। मैं तुम दोनों के साथ हूँ हमेशा, अब तुम प्लीज टेंशन लेना छोड़। वैसे भी अब तो ये तुम्हारे और बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जस्ट काम डाउन, वी विल फिगर इट आउट। ओके जी अम्मी। बेटा तुम्हें पता है आज तुम्हारे अब्बू को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अम्मी मुझे क्या मालूम था कि आप लोग स्पीकर ऑन करके मेरी बातें सबको सुना रहे। ये उनकी जिद थी, वो तुम्हारी बात सुनना चाहते थे। तो फिर ठीक है ना, अब तो उनकी तसल्ली हो गई होगी। अम्मी मैंने आपको पहले दिन से मना किया था कि मैं सहरिश से शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों ने जिद लगाए रखी थी। लेकिन बेटा जब माँ बाप औलाद के लिए इतना करते हैं तो औलाद का फर्ज नहीं बनता कि उसका मान रखे, उसकी खुशी में शामिल हो। अरे क्या होता अगर तुम अपने बाप की बात मान लेते? नहीं, हरगिज नहीं, मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है। नहीं, आज के बाद तुमने इस घर में फोन नहीं करना, हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए मर चुके, समझे तुम? और तुमने आइंदा से बात की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। पकड़िए।